संग छद्वम संवदध्वम वेद के ईशा भाष्य का ये वाक्य हमें संदेश देता है कि हम किसी पर्पज़ के लिए, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि संगठन का मतलब ही साथ चलने के लिए जिसका गठन हुआ हो, और संग रहने के साथ साथ हम ठान लेते हैं, कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो संगठन गढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें पूरे समाज का काम सबके किए चलो। और आज इस ग्रुप का सीधा सीधा उद्देश्य कि हम सब मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथी, हम यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जैसा कि आप ग्रुप में वैरायटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़े हैं, पर मकसद एक, बेहतर पीयू, बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र। हम किस डिपार्टमेंट से हैं, हम किस पद पे हैं, हम कौन से प्रदेश के हैं, मकसद वो नहीं है। जिस तरह से शाम को पेड़ पर आकर के अलग अलग भाषा बोलने वाले पक्षी, अलग अलग रंग के, अलग अलग साइज़ के एक पेड़ पर बैठते हैं, वही हमारा मकसद होना चाहिए कि वन के पंछी है अनेकों पर ठिकाना एक है। हमारे प्रदेश अलग अलग हो सकते हैं, तो वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है। सबकी भाषा अलग अलग, जॉब प्लेसेस अलग अलग हो सकते हैं, कुछ करने का जो जज्बा वो अलग हो सकता है, कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है। सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, और यदि दिल में हो मंग सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? बेहतरी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी, वो समाज की बेहतरी और उस पूरे राष्ट्र की बेहतरी। तो आज मैं डॉक्टर दिनेश चहल, आप सबकी, जो कल हमारे साथ साथी दिल्ली में उपस्थित थे, उन सब की उपस्थिति को मैं नमस्कार भी करता हूं, और मैं कहूंगा साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं भाई राजीव प्रताप रूढ़ी जी, अनमोल रतन सिद्धू जी, और नंदा साहब, सोनी साहब, श्रीनिवास साहब, राजेंद्र पुनिया साहब, और मैं कहूँ सुरान साहब और देसवाल साहब, कि ये केवल वे ही नहीं, जो आप सारे साथी जिन्होंने इस मिशन के लिए हम सबको इकट्ठा भी किया, और इकट्ठा नहीं, मैं कहूँ अलग अलग क्षेत्र के नायाब कामयाब हीरों को, और मैं कहूं कि वो अपने अपने क्षेत्र की कामयाब हस्ती जिन्होंने परचम लहराया है, उनको इकट्ठा किया, ये बहुत बहादुरी का काम भी है। और उसके साथ साथ कि हम किस तरह से अपने ग्रुप की बेहतरी के साथ साथ अपने यूनिवर्सिटी से लोगों की जुड़ी हुई, जो जुड़े हुए हैं, उनकी बेहतरी कैसे कर सकते हैं, और इन सब साथियों का, सीनियर साथियों का, ग्रुप से जुड़े तमाम जो सम्मानित सदस्य हैं जिनसे हम कल दिल्ली में मिल पाए, वो सब बधाई के पात्र हैं, जिनकी मौजूदगी में हमने, जिनकी मौजूदगी से कहूँ मैं, इस हमारे ग्रुप को चार चांद लगे हैं। क्योंकि ये सच है, जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, और आप सब अलख जगाने वाले सिकंदरों के बिना ये मजबूत संगठन नहीं बन सकता था। आप सब की आवाज़ बनकर अगर मैं कहूं कि हम सब कल मेरा तेरा छोड़ करके एक खास मकसद के लिए जुड़े हुए थे, और जो हम पूरा करने के लिए जी जान से काम करने का प्रण भी लिया हमने। क्योंकि अगर इन सीनियर साथियों ने, अगर मैं कहूं सिद्धू साहब, या मैं कहूं अनमोल रतन साहब, या मैं कहूं अपने राजीव प्रताप रूढ़ी भाई साहब, और हमारे नागरा साहब, सोनी साहब, जितने भी ये, मैं कहूँ ये हमारे ग्रुप की जान है और प्राण है, तो हम सब भी उनकी पहचान है। तो इन सब साथियों की मेहनत का नतीजा है कि हम इतने बड़े ग्रुप के रूप में कल दिल्ली में हम मिल पाए, और मैं इसको ग्रुप नहीं कहता, कई बार मैं तो कहता हूँ ये हमारा घर है। और चार काम इम्पोर्टेंट होते हैं घर में, घर का बनाना, घर का बसाना, घर को बचाना और घर को सजाना। बना दिया, चाहे उसमें रूढ़ी प्रताप, राजीव प्रताप रूढ़ी भाई साहब हों, अनमोल हों, या हमारे छोटी जो टीम हमारे नए साथियों की, रविंद्र भाई साहब के रूप में, या पुनिया साहब, इन सब के जो प्रयासों से बन गया है और बस भी गया है,
लेकिन अब बचाना और सजाना, क्योंकि बचाने वाले सजाने वाले हम सब लोग हैं, इसको कितना सजा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, ये हम सब की मेहनत और सेवा भावना पे डिपेंड करेगा। और एक गुजारिश के साथ, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में रहा और मेरा अनुभव कहता है कि जब हम यूनिवर्सिटी जो अननेसेसरी मैसेज भेजते हैं तो लोगों का ग्रुप से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है और हम सोचे हुए लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में अभी ऐसा नहीं है, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आज सारे भाईचारे की तरफ से हाथ जोड़ करके दिल की गहराइयों से सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, गुरु पर्व की बधाई, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, दशहरा, न्यू ईयर, सब शुभकामनाएं सबकी तरफ से सबको दे देता हूं, ताकि किसी भाई बहन को इन ओकेजन्स पर कष्ट ना उठाना पड़े। क्योंकि यही होता है, ओकेजन पे मैं एक मैसेज करता हूं, उसके पीछे एक होड़ लग जाती है। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपोड़े ने उस पार कर दिया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, तो वो होड़ ना लगे। तो मेरा विनम्र अनुरोध कि आप पर्सनली ऐसे मैसेज नहीं भेजेंगे ग्रुप में जो फॉरवर्डेड मैसेज है, ताकि जिन लोगों की मदद से और बहुत से लोगों की मदद के लिए ये ग्रुप बनाया है, उसके मकसद में हम कामयाब हो सकें। तो इसी अपील के साथ आपसे विदा भी लेता हूं, क्योंकि कल बोलना था लेकिन समय की पाबंदी के कारण बोल नहीं पाया। तो अगर संगठन को जिंदा रखना है, इस पक्का ग्रुप जिसका आपने नाम दिया, और मैं उसको पक्का को थोड़े और ढंग से देखता हूं, PUCAA, पी मीन्स पुराने, यूनिवर्सिटी के साथी, जिनके साथ जीवन के अमूल्य, अनमोल और अविस्मरणीय पल हमने बिताए, तो मैं ऐसा ग्रुप इसको मानता हूँ, तो ये ग्रुप बेहतर हो, समाज बेहतर हो, राष्ट्र बेहतर हो। अगर आपको लगता है आपका जो मैसेज है वो ग्रुप की बेहतरी के लिए, समाज की या यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए है, तो आप उसको ज़रूर भेजिए। लेकिन मेरा सुझाव है, किसी साथी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी, और अगर सबको अच्छा लगा हो, हाथ जोड़ के अपील कि इन सीनियर साथियों की मुहिम में हम साथ दें, और ग्रुप कामयाबी के साथ मकसद के लिए, जो हमारा मकसद है, उसमें हम सब सफल हो सके, ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी साथियों से विदा लेता हूं कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। तो काम जो भी हमारे जिम्मे सीनियर साथियों ने सौंपा है, हम उन सबको मिल करके करेंगे, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी कामना है। आप सब लोग जुड़े, आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू।